हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को है ना पता चल गया था कि आज जो है वो एम्बिशन बैच का यानी कि जो भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है बच्चा ये। और अभी जैसा कि आप सभी बच्चों को पता चल गया है कि जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो 12 मार्च में होगा, यानी कि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि यहां पर एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो बैच आप लोगों के लिए लेकर के आया है। और वो बैच जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है वो है एम्बिशन बैच, है ना। और ये बैच आपको मिलता है, कब मिलता है भैया? ये बैच आपको मिलता है एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर, ठीक है। वो बैच जो है आपको मिलेगा एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पांव को थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा। तो जाए जल्दी से प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाने के बाद एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप सर्च करना है, डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद कोर सेक्शन में जाकर के एम्बिशन बैच परचेस करना है, ज्वाइन करना है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर जो है वो बैच है, सर का बैच है तो भैया बैच ज्वाइन करने में पैसे लगेंगे, बहुत ज्यादा लगेंगे, है ना। 10,000 प्रिपरेशन बैच का लग रहा है, 6,000 प्रिपरेशन बैच का लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं भैया। जितने पैसे में आपने फॉर्म फिल किया है उससे 200 रुपया 300 रुपया एक्स्ट्रा डालोगे तो भैया आपको एक कंप्लीट बैच मिलेगा जहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। और ये भी आप लोगों को, कुछ बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन हो रहा है, कॉल आता है कि सर हम अब अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? आपका बैच तो बहुत पहले से शुरू है तो जो पीछे क्लास हो गया है वो मेरा कैसे कवर होगा, वो तो छूट गया ना। तो भैया ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऐप है हमारा, जो ऐप है उसमें स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से लेकर के आज तक जितने भी क्लासेस हुई हैं सब वहां पर अपलोड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके नोट्स हैं, उसके डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, जिस पैटर्न पे एग्जाम में आता है वो क्वेश्चंस है, और फिर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि हर चैप्टर का लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सब कुछ अपलोड है। तो भैया जब भी ज्वाइन करोगे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद रेगुलर जो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं वो तो होंगे ही, अगर वो मिस कर देते हो तो वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाता है और बाद में उसको भी देख सकते हो, चाहे कितनी बार भी देखें आप। तो ये फायदा है एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप से पढ़ने का। तो बिल्कुल नहीं घबराएं, पैसे की चिंता नहीं करें, पैसा बहुत मिनिमम हमने किया है, 4200 का बैच 999 में आपको दिया जा रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, देख लेते हैं कौन कौन है यहां पर। सबसे पहले यहां पर देखें टोटल गेमिंग। अच्छा सर नाइन्थ क्लास का कब स्टार्ट हो? भाई नाइन्थ क्लास का आज पीवाईक्यू सेशन नहीं है, है ना, कल होगा। ओके पीडब्ल्यू इंडिया भी बोल रहे सर नाइन्थ एंट्रेंस का लाइव कब होगा? भाई आज नहीं, कल। ओके वालेकुम अस्सलाम। तो भाई बिल्कुल परेशान नहीं हो, चलिए। तो ये जो है आज डे टू है, डे वन कल का था, प्रवेश सर ने लिया था, मैथ का पीवाईक्यू सेशन कराया था, आज हम लोग साइंस का करेंगे, आज हम लोग साइंस का करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि डे टू है आज, तो ये एक सीरीज चल रहा है, पीवाईक्यू सेशन एक सीरीज चल रहा है, जिसका डे वन में आप लोगों ने मैथ के पीवाईक्यू सेशन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, अब डे टू में आज जो है वो साइंस करेंगे। ओके तो रेडी हो जाए सारे बच्चे। और ये यहां पर जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 999 में कंप्लीट कोर्स अब सबका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे सिर्फ सोच ही रहे थे कि किस तरीके से फॉर्म भरें कि नहीं भरें, प्रिपरेशन तो है नहीं, तो भैया फॉर्म भी भरो और प्रिपरेशन भी करो और सिलेक्शन भी लो, 2 महीने में आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो बिना सोचे है ना आप लोग जो है एक कदम सेलेक्शन की ओर दौड़ाएं और ये एम्बिशन बैच आपको मिल जाता है,
मिल जाता है एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर। तो एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और वहां पर है ना, वहां पर ये तो कैटलिस्ट बैच का आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये वहां पर एम्बिशन बैच जो है वो आप लोग जाओगे और उसको ज्वाइन करोगे, वो भी 999 में। तो 9th क्लास का भी बैच 999 में और 6th क्लास का भी बैच जो है वो 999 में, इसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़े। तो आज जो चैप्टर होने वाला है वो है नर्वस सिस्टम। क्या है भैया? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ये आपका एक साइंस का चैप्टर है और इससे आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 12 मार्च में और उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो चाहे 2021 का देख लें, 2022 का देख लें, 2020 का देख लें, 2019 का देख लें, 18 का देख लें, 17 का देख लें, तो उसमें इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो आज आप लोग को पता चल जाएगा और उससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है। अगर नहीं ये सॉल्यूशन हो पा रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है और किस टॉपिक को इस चैप्टर में हमको ज्यादा फोकस करना है, ये आइडिया आपको लगेगा। तो पीवाईक्यू सेशन का यही फायदा है बच्चा कि आपको पता चल जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में जो सवाल आएंगे इस चैप्टर से वो कैसे होंगे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक पे ज्यादा देखना है, ज्यादा फोकस करना है, वो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा मोटिव यही है बच्चा कि आपको बता दें, दिखा दें कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए वो सारा हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए स्टार्ट होते हैं और लाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और उससे पहले कुछ हम आपको यहां पर समझाएंगे, कुछ यहां पर आपको मेन टॉपिक समझाएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद पीवाईक्यू सेशन थोड़ा सा हम करेंगे, ताकि आज जो आप पीवाईक्यू सेशन करने वाले हो, जो बिल्कुल ये चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो ये जो हम थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाएंगे उससे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर दिया गया पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में जितने भी तरह के फंक्शन होते हैं उसको एक सिस्टम कंट्रोल करता है और उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। और हमको देखना है कि ये नर्वस सिस्टम एक ऑर्गेन सिस्टम है बच्चा। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गेन सिस्टम है, उसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी एक ऑर्गेन सिस्टम है। सर ऑर्गेन सिस्टम क्या होता है? ढेर सारा ऑर्गेन मिलकर के एक सिस्टम बनाता है जिसको ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। ढेर सारा ऑर्गेन मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, पर्टिकुलर एक खास तरह का फंक्शन करता है जिसको ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बताया जाए तो उसको बोलते हैं खाना पचाने वाला सिस्टम। उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के एक ही काम करता है, फूड का डाइजेशन करता है, फूड को तोड़ता है। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेन हेल्प कर रहे हैं? तो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर फूड पाइप हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये सारे ऑर्गेन मिलकर के एक ही काम कर रहा है, फूड का डाइजेशन, फूड को तोड़ना। तो ये ऑर्गेन सिस्टम हो गया। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेन होंगे और वो सारे ऑर्गेन मिलकर के हमारे बॉडी में जितने भी तरह का फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम किया जाएगा, उसको कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। तो अब देखेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या ऑर्गेन्स हैं और उसका क्या फंक्शन है, वो वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। वर्टिब्रेट आ गया यहां पर, ये एक वर्ड आ गया यहां पर वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो हम लोग जो है एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें बैकबोन होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसमें स्पाइन होता है। ये सब एक ही चीजों को बोला जा रहा है, रीढ़ की हड्डी को ही बोला जा रहा है। रीढ़ की हड्डी के कितने नाम हो गए? बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, ये तीन जो है बैकबोन का ही नाम है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन हो,
उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो हम लोगों में बैकबोन है तो हम लोगों को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो हम लोगों में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के बीचों बीच होता है। सर बॉडी के बीचों बीच में कौन सा नर्वस सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस भी बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सीएनएस। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पीएनएस। तो जो बॉडी के सेंटर में होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के साइड में होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है साइड में। तो सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। सर स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच में, वर्टेब्रल कॉलम के बीचों बीच में नर्व्स के बंच होते हैं, गुच्छे होते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन बना रहा है? बना रहा है आपका ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पहला हिस्सा हो गया नर्वस सिस्टम का। दूसरा हिस्सा क्या है सर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो साइड में होते हैं। और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स आते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अरे भाई समीर भैया, बोला तो कल होगा आप लोगों का, आज नहीं है। ठीक है, ये चीजें अब देखते हैं आगे। ये देख लो यहां पर, ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका क्या है? ब्रेन। और बीचों बीच में ये क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाला पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से ढेर सारे देखो यहां पे नर्व्स निकल रहे हैं जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। और ये नर्व्स हैं, तो नर्व्स को, नर्व्स जो है वो किसमें आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में। तो सवाल यही पूछ देता है कि सीएनएस में कौन कौन से आते हैं? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में कौन कौन से आते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नर्व्स। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ नर्व्स। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन पढ़ेंगे, अब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, नर्वस सिस्टम से आते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द ब्रेन इज द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गेन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्रेन है ना, वो सबसे, सब पूरे बॉडी का मालिक है भाई। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गेन है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है ना, और पूरे बॉडी का मालिक है, सारा कंट्रोल ब्रेन करता है। कुछ भी, जो भी फंक्शन हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले ब्रेन में जाएगा, फिर वो ब्रेन डिसाइड करेगा कि वो करना है कि नहीं करना है, है ना। तो ब्रेन, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एक बोनी स्कल, स्कल खोपड़ी, हार्ड स्ट्रक्चर, बोन का बना होता है, हड्डी का बना होता है, उसी के अंदर ब्रेन होते हैं। क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए हार्ड स्ट्रक्चर से स्कल के जरिए जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो हड्डी, जो बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक है, आगे, इट लुक लाइक वॉलनट। आपने अखरोट खाया होगा, अखरोट, तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हू बहू अखरोट के जैसा होता है, वॉलनट के जैसा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, छिलका जो अखरोट का होता है, कितना टफ होता है, कितना रिजिड होता है, कितना सख्त होता है, वो टूटता नहीं है। उसी तरीके से ब्रेन भी जो है वो स्कल के अंदर होता है, और स्कल जो है बहुत हार्ड कवरिंग होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत बोनी होता है, है ना। तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से वॉलनट में, वॉलनट का जो कवर है वो वॉलनट अंदर जो अखरोट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सॉफ्ट हिस्से को प्रोटेक्ट कर रहा है। और कंट्रोल सेंटर फॉर योर होल बॉडी, और पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है ब्रेन को, क्योंकि वही पूरे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। ये एक तरह का आपका सुपर कंप्यूटर है, ब्रेन जो है वो एक तरह का क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर है। तो इसको एज अ सुपर कंप्यूटर भी बोला जाता है।
अगला है इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन योर बॉडी, हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें होती है वो सब को कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन करेगा, ठीक है। फिर क्या है, इट स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी होता है वो कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा, ब्रेन स्टोर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरत होती है। और जब स्टोर होता है, जिसमें स्टोर होता है ब्रेन में, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी, क्या बोलते हैं, मेमोरी। तो व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ इज गेटिंग स्टोर्ड इन योर ब्रेन, अभी आप जो पढ़ रहे हो, अभी आप जो देख रहे हो, अभी आप जो सुन रहे हो, ये सब कुछ कहां स्टोर हो रहा है, आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। अगर आपके पास ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है, जो भी देखोगे, जो भी सुनोगे, जो भी सोचोगे, जो भी पढ़ोगे, जो भी लिखोगे, वो कुछ भी नहीं स्टोर होगा दिमाग में, वो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपका आपके पास ब्रेन नहीं है। तो आपके पास ब्रेन है तभी आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, स्टोर हो रहा है, बाद में हमारी ही बात याद आएगी कि सर ने ये पढ़ाया था, ये कहा था, तो वो ब्रेन ही कर रहा है जो आपके सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ब्रेन है, ये क्या है, आपका ब्रेन है ना, और इसके ऊपर जो है वो क्या है, स्कल है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं बच्चा, आपके क्लास में इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखेंगे ब्रेन का। द ब्रेन इज डिविजिबल इंटू थ्री मेन रीजन, दिमाग को तीन हिस्से में बांट दिया गया है, आपके ब्रेन का तीन हिस्सा होता है, आपके ब्रेन को तीन हिस्से में बांट दिया गया। पहला हिस्सा कहलाता है फोर ब्रेन, पहला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, फोर ब्रेन। दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन, तीसरा हिस्सा हिंड ब्रेन। तो आपके ब्रेन का, हम लोगों के ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का तीन हिस्सा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर में आगे की तरफ जो दिमाग है उसको ब्रेन फोर ब्रेन बोला गया, आगे ब्रेन के आगे वाले हिस्से को फोर ब्रेन बोला गया, बीच वाले हिस्से को मिडिल ब्रेन बोला गया है ना, मिड ब्रेन, और पीछे वाले हिस्से को क्या बोला गया, हिंड ब्रेन बोला गया। ठीक है, तो देखेंगे फोर ब्रेन क्या है भाई, द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन जो आगे वाला जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन कहलाता है, और फोर ब्रेन में जो मेनली जो है वो सेरिब्रम होता है। अभी बताएंगे फोर ब्रेन का भी हिस्सा कर दिया गया, फोर ब्रेन के अंदर भी कुछ हिस्से आते हैं जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, और मिड ब्रेन, और फिर हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन जो पीछे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, पोस्टीरियर पार्ट जो ब्रेन का होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो हिंड ब्रेन कहलाता है। और हिंड ब्रेन में भी कुछ हिस्से होते हैं जिसको सेरिबेलम बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं, और मेडुला ऑब्लेंगेटा बोलते हैं। तो यानी हिंड ब्रेन का भी तीन हिस्सा कर दिया गया, सेरिबेलम है, डबल एल है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का हिस्सा है और सेरिबेलम फोर ब्रेन का हिस्सा है। इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चे कर जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिंड ब्रेन में तीन हिस्सा, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है सर, मजा आ रहा है मेरे दोस्त, ये हम कुछ जानकारी जब तक आपको बताएंगे नहीं तो आपको क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा है ना, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये ब्रेन है और इस ब्रेन का तीन हिस्सा कर दिया गया, इस ब्रेन का तीन हिस्सा कर दिया। देखो यहां से लेकर के यहां से ले, रेड वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये फोर ब्रेन होता है, क्या होता है, फोर ब्रेन कहलाता है, फोर ब्रेन है ना। और बीच वाला ब्लू से हम दिखाते हैं आपको, बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, मिड ब्रेन। और बाकी के जो रेस्ट बच गए पीछे वाला, यहां से देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो ग्रीन वाला से हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो आगे की तरफ जो मेजॉरिटी है वो फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का। उसके बाद आ जाते हैं हिंड ब्रेन, सबसे छोटा हिस्सा होता है मिड ब्रेन। क्लियर है सर, समझ में आया। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग हैं सेशन को लाइक करेंगे है ना, और फिर बाद में कमेंट भी करेंगे कैसा लगा। अब फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन देख लेते हैं, ब्रेन का क्या क्या काम है भाई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन, कंट्रोल्स थॉट, जो आप सोचते हैं उसको कंट्रोल करेगा, मेमोरी का काम करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आपके इमोशन जो भी छूते हो है ना, वो सब कौन करेगा कंट्रोल, आपका ब्रेन करेगा।
सांस जो ले रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, जो टेम्परेचर महसूस हो रहा है हाई या लो, वो सारी चीज और कुछ भी जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है सबको जो है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा ऑर्गन है हमारे बॉडी में। विदाउट ब्रेन कुछ भी, कोई भी, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट एक्सटेंड फ्रॉम इट मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS। और ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाता है, एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनाता है, जिसको बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरे को तो बोलते हैं नर्वस सिस्टम, लेकिन नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हो गए स्टार्टिंग में हमने बताया, एक है CNS, दूसरा PNS। इसको बार बार हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि सवाल आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ नर्व्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है वो आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन को तीन हिस्से में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और सेरिब्रम जो है ये आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है, जो आपके आगे की तरफ है ना, वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो सेरिब्रम ही होता है, सबसे बड़ा। और ऊपर की तरफ जो है ना, ये पूरा जो है ये सेरिब्रम होता है। ऑक्युपाई अबाउट 80% ऑफ द ब्रेन। तो इतना बड़ा है कि पूरे ब्रेन का 80% हिस्सा सेरिब्रम ही है, यानी फोर ब्रेन ही है। आ रही बात समझ में? ब्रेन का तीन हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का 80% हिस्सा ऑक्युपाई करके रखता है, यानी सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम, और वो फोर ब्रेन का हिस्सा है, और वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, और क्या बोला गया? द सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रम के अंदर क्या होते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। क्या होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। एंड अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, ब्रेन का जितना वेट होता है उस वेट का 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम का ही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है, तो सबसे ज्यादा वजन जो है वो सेरिब्रम का ही होगा ब्रेन में, है ना। चलिए, तो वन हेमिस्फेयर यूजुअली द लेफ्ट। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये देखो इस तरीके का हम बनाते हैं, ऊपर से बनाते हैं। ये देखो, ये ऊपर से हमने बनाया। दो हेमिस्फेयर होते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट वाला हिस्सा, ये आपका हो गया राइट वाला हिस्सा। इसी वाले पोर्शन को ऊपर से ऐसे करके दिखाया हमने, यहां से लेकर के देखो ये वाला, ये पूरा पोर्शन जो आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, इसको दो हिस्से में बांट दिया गया। दो हेमिस्फेयर, पहला हेमिस्फेयर ये, दूसरा हेमिस्फेयर रे, हेमिस्फेयर ये, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। अब दोनों का अलग अलग फंक्शन है बच्चा, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये समझना, क्या फंक्शन है ये समझना। तो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होते हैं वो क्या फंक्शन करता है? वो कंट्रोलिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो आपका कौन, ब्रेन का सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? सेरिब्रम का लेफ्ट वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है जो हम बोलते हैं। तो लेफ्ट वाला हिस्सा क्या कंट्रोल करता है? जो हम बोलते हैं, स्पीच, स्पीच। तो अभी जो हम बोल रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सेरिब्रम का लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर जो है वो कंट्रोल कर रहा है, जो हम अभी बोल रहे हैं। मान लो कि अगर किसी का लेफ्ट हेमिस्फेयर खराब हो गया तो वो इंसान कभी बोल ही नहीं सकता, नहीं बोल पाएगा। कोई कोई इंसान जो है उसके पास जुबान होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, गूंगा होता है। रीजन ये है कि उसका जो लेफ्ट ब्रेन का जो लेफ्ट सेरिब्रम का जो लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर है वही खराब होता है, वही डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता, क्योंकि यही लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर ही स्पीच को कंट्रोल करेगा, लैंग्वेज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, और फिर बाकी क्या बचा। द अदर हेमिस्फेयर यानी राइट वाला जो हेमिस्फेयर है ये आपका विजुअल है ना और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये वाला जो आपका राइट वाला जो है ये आपका क्या कंट्रोल कर रहा है? विजन, जो आप देखते हो, जैसे कि आप अभी लेक्चर देख रहे हो, ये कौन सा हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है? राइट वाला हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। और जो चीज आप सुन रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन, वो स्टोर आपका इसी वाले में, राइट वाले में ही होगा। तो अगर आप किसी का राइट वाला खराब है तो वो समझ लो एक तरह का मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगा ना, उसके पास कोई दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा
दिमाग से हल्का वही हो जाएगा, है ना, और ना ही वो कुछ देख सकता है ना। आंख होते भी कुछ लोग अंधे होते हैं, रीजन ये है कि उसका राइट वाला हेमिस्फेयर डैमेज होता है। एक सेकेंड, यहां तक समझ में आया? हम चैट देख लेते हैं, यहां तक समझ में आया जरा? अगर समझ में आ गया तो एक एक थंब इंप्रेशन ऐसे लगा के भेजोगे इमोजी के शक्ल में, है ना, ताकि हमको थोड़ा सा जो है वो एनर्जी और मिले और अच्छे से हम समझा पाए। ठीक है, बताओ बच्चा पार्टी। बताओ, चलिए सभी बच्चे चलो कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो जो ब्रेन है उसका वेट बता देते हैं, मे बी इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो अगर हम मेल की बात करें, यहां पे लिखते हैं, अगर हम मेल की बात करें, मेल मेल का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो वेट होता है, ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1338 ग्राम, और जो फीमेल फीमेल का जो ब्रेन होता है उसका वेट होता है 1198 ग्राम। इसलिए बोला जाता है कि जो लड़की का दिमाग है, जो फीमेल का दिमाग है वो छोटा होता है, यही रीजन है। देख लो भाई, वेट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, है ना, ये चीजें। तो बुरा मत मानना अगर कोई लड़की है, ये नेचर है, ये कुदरत है, है ना। मेल का दिमाग बड़ा दिया गया, हालांकि मेल का दिमाग बड़ा होते हुए भी वो दिमाग नहीं लगाता, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, लेकिन फीमेल जो है वो दिमाग छोटा रहते हुए भी, कम वेट रहते भी, वो पूरा इस्तेमाल करता है, और ज्यादातर लड़कियां तेज हो रही हैं आजकल, है ना। ठीक है, ये चीज समझ में आया? चलो, तो इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इनफ है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते सेरिबेलम, पीवाईक्यू कराएंगे बच्चा, ठीक है, लेकिन हम ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि ये सब इंफॉर्मेशन के बाद जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होगा, है ना, सब कुछ बनेगा, सारा आंसर आप सही करोगे। तो सेरिबेलम, विच इज लैटिन फॉर लिटिल ब्रेन, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन बोलते हैं, और ये जो सेरिबेलम है ना, ये आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है, हिंड ब्रेन का हिस्सा है, और जो सेरिबेलम था ना वो आपका फोर ब्रेन का हिस्सा था। इज अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का है, दैट इज लोकेटेड नियर द ब्रेन स्टेम, और ये जो सेरिबेलम है ये ब्रेन स्टेम के नजदीक होता है। सर ब्रेन स्टेम क्या है, समझ में नहीं आया तो ये बताते हैं, यहां बताते हैं आपको। ये वाला जो है ना, ये जिसको मेडुला ऑब्लेंगेटा बोलते हैं, मेडुला ऑब्लेंगेटा को ही क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर ये वाला पोर्शन आपका सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम जो है वो किसके नजदीक है, मेडुला ऑब्लेंगेटा के नजदीक है, और मेडुला ऑब्लेंगेटा को ही ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, वही चीज है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, तो सेरिबेलम जो है वो क्या कंट्रोल करता है, जो भी वॉलेंट्री एक्शन होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करता है। सर वॉलेंट्री क्या है और इनवॉलेंट्री क्या है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शन उसको बोलते हैं, हम अपनी चाहत से जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी हरकत करते हैं, उसको वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। जैसे हम हाथ ये ऊपर उठाया, ये हाथ ऊपर उठाया, तो ये हम अपनी चाहत, हम अपनी विल, हम अपनी इच्छा अनुसार ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सब एक्शन, ये सब मूवमेंट वॉलेंट्री मूवमेंट कहलाता है, वॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। तो ये कंट्रोल, ये सब चीज जो कंट्रोल हो रहा है, ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। क्लियर, बॉडी को बैलेंस रखना, पोस्चर में रखना, है ना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। ओके, और इनवॉलेंट्री एक्शन उसको बोलेंगे जो हमारे कंट्रोल से बॉडी के अंदर नहीं होता। जैसे जितने भी ऑर्गन बॉडी के अंदर है, चाहे लंग्स है, चाहे हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सारे फंक्शन हमारे अनुसार नहीं होता, ये खुद ब खुद वो करते हैं, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाते हैं। अब हम बोलेंगे कि भैया, हार्ट को बोलेंगे भैया बहुत कंटिन्यू आप जो है काम करते ही जा रहे हो, ऐसा करो आज छुट्टी ले लो, काम करो ही मत, तो भैया जिस दिन दिल जो है वो काम करना बंद कर दे, समझ लेना आप स्वर्ग सिधार गए, है ना। तो वो थकता नहीं है, अगर वो थक गया तो समझ लो आप थक गए जिंदगी से,
तो वो सब इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, आ रही बात समझ में। और बाकी ये जो हम नाच रहे हैं, इधर से उधर हाथ फैला रहे हैं, ये सब जो मूवमेंट है ये वॉलेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉलेंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, इंक्लूडिंग मोटर स्किल सच एज बैलेंस, बैलेंस बना करके रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, पोस्चर मेंटेन करके रखना एकदम अच्छे तरीके से। ये जो पोस्चर दे रहे हैं, ये सब पोस्चर जो है वॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री को कंट्रोल ही कर रहा है आपका सेरिबेलम, जो आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ऑल्दो द सेरिबेलम ओनली अकाउंट्स फॉर द रफली 10% ऑफ द ब्रेन्स टोटल वेट। तो जितना वेट है, कितना वेट है, अगर मेल की बात करें तो 1398 ग्राम जो है वो वेट है मेल ब्रेन का, उसका 10% वेट आपका सेरिबेलम हो जाता है और 80% वेट आपका सेरिबेलम हो जाता है जो फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वही चीज बताया, दिस एरिया इज थॉट टू कंटेन मोर न्यूरॉन्स नर्व सेल देन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन कंबाइंड। और वो ये वाला जो एरिया होता है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस एरिया इज द थॉट टू कंटेन मोर न्यूरॉन्स नर्व सेल देन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन कंबाइंड। तो इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स बोलो सर, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन एक सेल का नाम है, नर्व सेल का नाम है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना है। ब्रेन भी आपका न्यूरॉन से बना है, स्पाइनल कॉर्ड भी आपका न्यूरॉन से बना है, नर्व्स भी आपका न्यूरॉन से बना है। यानी न्यूरॉन एक सेल है, इसी सेल से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना है। जैसे किडनी और किडनी नेफ्रॉन से बना है, जैसे लंग्स लंग्स एल्वियोलाई से बना है। हर अलग सिस्टम के लिए अलग जो है वो सेल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्टेम जिसको मेडुला बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा, तीन हिस्से में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। तो मेडुला ओब्लंगेटा भी आपका हिंड ब्रेन का ही हिस्सा है, है ना। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस में यह पाया जाता है। दिस एरिया कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड। और यही ब्रेन स्टेम जो है वो सेरिब्रम यानी कि आपका मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सबको कनेक्ट करने का काम मेडुला ओब्लंगेटा करता है। उन सबको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। एक तरह से ये रिले स्टेशन का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। द ब्रेन स्टेम वर्क्स बाय रेगुलेटिंग ऑटोमेटिक फंक्शन। तो जो भी ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, यानी जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, उसको कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम यानी मेडुला ओब्लंगेटा। वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा था आपका सेरिबेलम, थिंकिंग सोचना, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, विजन, ये सारी चीजें जो है वो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो ऑटोमेटिक एक्शन है, उसको कंट्रोल आपका मेडुला ओब्लंगेटा करता है, यानी कि ब्रेन स्टेम करता है। जैसे स्लीप साइकिल, ब्रीथिंग, सांस लेना, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब ऑटोमेटिक है, अचानक से ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता कभी कभी। तो इसको कंट्रोल आपका मेडुला ओब्लंगेटा करता है, यानी ब्रेन स्टेम करता है। इतनी बात समझ में आया? थोड़ा सा पानी पिएंगे, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो अब जितना भी इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है, उसी के बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए भैया, तो अब यहां पे आते हैं हम लोग, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, मजा आएगा। और कुछ आपको याद भी करना होगा, ठीक है, चैप्टर्स में हमने पढ़ाए हैं, अगर देखोगे तो वहां। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो 2020-21 में आया है, अ सिल्क वॉर्म फाइंड इट्स पार्टनर बाय यूजिंग इट्स। सिल्क वॉर्म अपने पार्टनर को कैसे ढूंढता है, किस चीज का इस्तेमाल करके
अपने पार्टनर को सिल्क वॉर्म ढूंढेगा। ऑप्शन है सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच या सेंस ऑफ विजन। बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट बताइए, बताओ मेरे दोस्त। बताओ भाई फटाफट आंसर करो। वीरेंद्र कुमार का आंसर आया है बी, अब्दुल हफीज सिद्दीकी का बी आया है, गली मोहल्ला क्रिकेट बी, फैसल एजाज, अमजद हुसैन, एंजल अलीना, रिजवी, अब्दुल हफीज सिद्दीकी, अर्शिया खान, वजीदा तबस्सुम। सर पीवाईक्यू, अरे पीवाईक्यू ही है। बताओ सारे बच्चे आंसर करो जल्दी फटाफट। तो भैया जो ये जो सिल्क वर्म होते हैं वो अपने पार्टनर को सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल करके ढूंढ लेते हैं, है ना, स्मेल करके ढूंढते हैं। इसका सही आंसर ये है, अगर किसी को नहीं है तो भैया याद कर लो। अब देखो यहां पर क्वेश्चन आ गया, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या ब्रेन स्टेम। अब बताइए इसका आंसर, अभी पढ़ाए हैं कुछ देर पहले, इसीलिए हमने पढ़ाया था, इसीलिए हमने पढ़ाया था, देख लो भाई, इसीलिए हमने पढ़ाया था। और अगर आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, अगर सिलेक्शन लाना है मेरे बच्चों, तो भैया क्या करोगे, तो भैया आप लोग बैच ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन करिए आप लोग। इतने मिनिमम फीस में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, दो महीना बचा है, रात दिन एक कर देंगे, सिलेक्शन लेकर के आएंगे, सारे चैप्टर्स के लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चंस, टेस्ट वीकली होता है, फिर 1 फरवरी से आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, जिस पैटर्न पर एएमयू टेस्ट लेती है उसी तरीके से 85 क्वेश्चन के टेस्ट लिए जाएंगे, और सिर्फ 999 में। बताओ भाई 4200 का बैच 999 में आप लोगों लेकर कर दिया गया है, तो अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करोगे तो भैया कौन करेगा, कौन करेगा। तो भाई अगर प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो भाई जंग लड़नी पड़ेगी, और ये जंग जो है वो उस तरीके से चाकू तलवार से नहीं लड़ना है, ये जंग आपको इससे लड़ना है, दिमाग से लड़ना है। चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, हमने बताया था कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो होता है सेरिब्रम, वो क्या होता है सेरिब्रम, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ए जो है वो बिल्कुल सही है। सर कितना घंटा पढ़े, स्कूल का पढ़ाई के अलावा, कोचिंग के पढ़ाई के अलावा, जो बच्चे हमारे बैच के हैं, हमारी पढ़ाई के अलावा 3 घंटा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर रिवीजन के साथ, यानी कि सारे चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हैं। भैया रिवीजन करना बहुत जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, लिख लियो। हमारे पढ़ाई के पढ़ाने के अलावा भी, स्कूल के पढ़ाने के अलावा भी 3 घंटा अलग से निकाल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने हिसाब से शेड्यूल तैयार करो कि किस टाइम आप कंफर्ट जोन में हो, किस टाइम में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने हिसाब से टाइम निकालो। हम नहीं थोपेंगे कि भैया इतने बजे उठो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे। आपको 3 घंटा निकालना है किसी भी तरीके से, और उसमें सुकून के साथ पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस के, मैथ के प्रैक्टिस करना है, और जो हमारा बैच चल रहा है एम्बिशन बैच, उसमें क्लासेस करना है ना। चलिए तो भाई इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिना इज अ पार्ट ऑफ, रेटिना किसका पार्ट है भाई, रेटिना किसका हिस्सा है, ब्रेन का, आई का, ईयर का, टंग का। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेक्चर में हमने पढ़ाया है, जो भी बच्चा लेक्चर किया होगा इसका आंसर फटाक से करेगा। बताओ रेटिना जो है वो किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है बच्चा, बताइए का आंसर करो, रेटिना किसका हिस्सा है। तो भाई आंख, आई का जो हिस्सा है, आई का पार्ट है रेटिना, ब्रेन का नहीं है, ईयर का नहीं है, टंग का नहीं है, किसका हिस्सा है, आंख का। तो जो आप देखते हो, जो आप देखते हो, एक हिस्सा होता आई में रेटिना, उस पे जाकर के उसका इमेज बन जाता है, तो इमेज फॉर्मेशन आई में रेटिना पर होता है, तो रेटिना आपका आई का हिस्सा है, आंख का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following make different sound to give message to each other? इनमें से कौन है जो अलग अलग साउंड निकालता है एक दूसरे को मैसेज करने के लिए, वेल, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, स्नेक, बताओ इसका आंसर।
बताइए इसका आंसर बताइए। बताओ क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करेंगे। श्याम अहमद, अब्दुल हफीज, वीरेंद्र कुमार, वजीदा तबस्सुम, एमजे फिरदौस, हेरी। सर बिना आपके बिना कितना आवर्स पड़े? अच्छा मेरे बिना कितना घंटा पड़े? तो बताया तो 3 घंटा। मेरे अलावा अगर मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो भैया 3 में जो है वो 3 घंटा और जोड़ो, 6 घंटा अगर हमसे नहीं पढ़ रहे हैं तो। इसका सही आंसर होने वाला डॉल्फिन। डॉल्फिन साउंड निकाल करके, साउंड प्रोड्यूस करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, डॉल्फिन मछली आप लोगों ने देखा होगा। टाइगर विजन एट नाइट इज हाउ मच टाइम ग्रेटर देन अस, हम लोगों से ज्यादा कितना टाइम ज्यादा, कितना गुना ज्यादा टाइगर का विजन तेज होता है, उसको दिखाई कितना गुना ज्यादा तेज देता है हम लोगों से, ह्यूमन बींग से। 8 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 4 गुना, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है, समझने वाला नहीं है, ये सब याद करने वाला है मेरे दोस्त। बताओ बताइए। श्याम, श्यान है, हम श्यान श्याम बोल रहे हैं, श्यान अहमद है, हुजैफा, जावेद अख्तर। तो कितना गुना भैया? 6 गुना ज्यादा, 6 टाइम, 6 टाइम हम लोगों से ज्यादा उनको दिखता है रात में, जितना हम लोग को दिखता है रात में उससे 6 गुना ज्यादा टाइगर को दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर ब्लैंक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, हम लोगों के पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, बताओ बताओ बच्चा, हम लोगों में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? तो भाई 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हो ना, स्मेल, विजन, ये सब, तो भाई 5 होते हैं ना। सी इज द राइट आंसर। इसमें भी किसी को दिक्कत है? नहीं होगा आई होप। कितना इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है। विच टाइप ऑफ सेंस इज यूज बाय द इंसेक्ट टू फाइंड देयर पार्टनर्स, कौन सा सेंस इस्तेमाल करता है कीड़े मकोड़े जो अपने पार्टनर को ढूंढ लेता है उससे? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, या सेंस ऑफ विजन? बताइए। 7 का आंसर करेंगे। बताओ बच्चा पार्टी। तो स्मेल करके है ना, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो स्मेल करके अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, तो सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल किया जाता है। विच टाइप ऑफ सेंस इज यूज्ड बाय द इंसेक्ट फाइंड देयर पार्टनर्स? अरे भाई सेम हो गया, सेंस ऑफ स्मेल ही होगा, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सेलिवा इज सिक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? सेलिवा, लार, लार है ना, ये बॉडी के किस हिस्से में सेलिवा का प्रोडक्शन होता है, सेलिवा निकलता है? आई में, नोज में, माउथ में, स्टमक में, बताओ। 17-18 का क्वेश्चन है, 17-18 का क्वेश्चन है बच्चा, बताइए। सेलिवा का जो प्रोडक्शन होता है मेरे दोस्त वो किस ऑर्गेन में होता है, बॉडी के किस हिस्से में होता है? सेलिवा मतलब लार है ना, आई में, नोज में, माउथ में, स्टमक में, बताओ। बताइए। तो भाई कहां होगा? माउथ में ही तो प्रोडक्शन होता है, ये तो आप लोग जानते ही है ना। माउथ में एक ग्लैंड होता है, सेलिवरी ग्लैंड, और वही सेलिवरी ग्लैंड सेलिवा का प्रोडक्शन करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है सेलिवा। और माउथ में एक ग्लैंड होता है सेलिवरी ग्लैंड, और वही जो है वो सेलिवरी सेलिवा प्रोड्यूस करता है, और सेलिवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेलिवरी एमाइलेस। हालांकि ये इतना ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डांसिंग कैन बी कंट्रोल बाय डांसिंग, डांसिंग जो है वो आपका कैसा है, आपका वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मूवमेंट है, तो डांसिंग जो है वो कौन कंट्रोल करेगा भाई? ब्रेन का कौन सा हिस्सा? सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेडुला या पॉन्स? तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि वॉलेंट्री मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेगा, है ना? बताइए, फटाफट बताइए।
बताओ, अभी अभी बताया है ना, अभी अभी बताया है कि जो सेरिबेलम होते हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो डांसिंग आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है, अपने आप नहीं हो जाता। म्यूजिक चल रहा है, अपने आप नाचने लगो, ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करते हो, आप कंट्रोल करते हो, है ना, आपकी मदद से होता है, आपके विल के मुताबिक होता है, आपकी इच्छा के मुताबिक होता है। तो जो आपकी इच्छा के मुताबिक जो कोई भी मूवमेंट होता है उसको वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शन को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेगा? तो ब्रेन का हिस्सा करेगा, क्या कौन सा हिस्सा करेगा? सेरिबेलम करेगा, ना कि सेरिब्रम। सेरिब्रम इज अ टाइप ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ओके, तो सेरिबेलम इज द राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑटोमेटिक एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन फॉर विच वी डू नथिंग बिफोर एक्टिंग इज, ऑटोमेटिक एक्शन हो जाता है और हम लोग उसमें कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन, मेडुला, ऑप्टिक नर्व्स या सेरिब्रम, बताइए, बताओ मेरे दोस्त। वैसा एक्शन जो ऑटोमेटिक हो जाता है, ये हमने आपको चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। क्या समझाया? कि भाई हम स्विच ऑन करने के लिए गए और करंट लग गया, अचानक से हाथ जो पीछे अपने आप झटक दिया, उसमें हमको टाइम भी नहीं दिया उस एक्शन को करने के लिए, सोचने का मौका भी नहीं दिया, अपने आप हाथ पीछे झट आ गया। तो ये जो ऑटोमेटिक एक्शन होता है, इस एक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सा एक्शन बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे या सेरिब्रम बोलेंगे? बताइए सर, ऑटोमेटिक एक्शन हो रहा है बिना हमारे मदद के, अचानक हो जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सर रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने बताया कि ये एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ही जो है वो इंफॉर्मेशन इधर से उधर होता है, ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है। अगर ब्रेन तक पहुंचाएगा तब तक काफी देर हो गई होगी और काफी ज्यादा नुकसान हो गया होगा। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चैप्टर में समझाया है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा है तो बिल्कुल सही आंसर करेगा, है ना। ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। जैसे कि यहां पर करंट, यहां पर कुछ जल रहा है, यहां पर जैसे ही कुछ जला यहां पर हाथ अपने आप पीछे आ गया, दैट मीन्स यहां से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड ही बोलेगा भैया हाथ हटा लो, हाथ जल जाएगा। ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा नहीं, और इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, ब्रेन को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया? स्टार्टिंग में समझाए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। आज जो आज वाला स्टार्टिंग का सेशन देखा होगा, स्टार्टिंग का टॉपिक देखा होगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर देगा। ब्रेन को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया सर, बताइए? अभी हमने बताया कि ब्रेन का तीन हिस्सा होता है, ब्रेन को तीन हिस्से में डिवाइड किया गया। थ्री इज द राइट आंसर। कौन कौन सा, कौन कौन सा? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और इसमें जो मेन है फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम, और हिंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम। सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, 80% 80% वेट ऑक्युपाई कर लेता है, और 10% सेरिबेलम, अब बाकी जो बच गया वो आपका मिड ब्रेन में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड, आप बताइए। नर्व्स भी हमने बताया कि कितने तरह के होते हैं, कौन सा टाइप है नर्व्स का जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक लाता है और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के कहां लेकर के जाता है? मसल्स तक और ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। यानी कि अगर डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन है, ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, और यहां पर मसल्स है, मसल्स है, और ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स है। तो यहां तक इंफॉर्मेशन किस किस नर्व्स के जरिए आएगा? दो तरह का नर्व हमने बताया था, दो तरह का नर्व हमने बताया था। ऑप्शन है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर।
बताइए इसका आंसर। तो क्या बताया था, कितने तरह का नर्व होता है भैया? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बारे में बताया था। मोटर नर्व जो होता है वो आपका लेकर के जाएगा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जहां भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना होगा मसल्स में, ग्लैंड में, कहीं भी। अगर मसल्स और ग्लैंड से, यहां आपको बताते हैं, ये तो आपका हो गया मोटर, मोटर नर्व्स, नर्व्स। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन मसल्स ग्लैंड से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचाना होगा तो ये आपका होता है सेंसरी, सेंसरी नर्व्स। तो दोनों क्लियर हो गए आपके, सेंसरी नर्व क्या करता है और मोटर नर्व क्या करता है, है ना? दोनों क्लियर हो गए, सेंसरी नर्व क्या करता है और मोटर नर्व क्या करता है। ओके बच्चा, क्लियर है सर? आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मेमोरी, कौन सा हिस्सा मेमोरी कंट्रोल करता है? स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया सर कि मेमोरी को कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। मेमोरी है क्या, कौन सा हिस्सा है आपका? सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम होगा, मेडुला होगा। देखो ब्रेन से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हमने ब्रेन वाले टॉपिक को पहले क्लियर किया आपको, ताकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर लो। इंपॉर्टेंट, ये तो पीवाईक्यू सेशन का यही बच्चा एक फायदा है, जिससे हमको टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि किस टॉपिक पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है ना वो ज्यादा फोकस कर रहा है, ज्यादा ध्यान दे रहा है, किस पर हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रेन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया। और हम क्या करते हैं, हमने जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया उसके नोट्स दिए, और उस चैप्टर से नंबर, इसमें तो हर साल एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इस चैप्टर से दो या तीन ही क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन आएगा। तो हमने उस चैप्टर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए डीपीपी के फॉर्म में। अगर नहीं हुआ है, डीपीपी तो आपको मिल गया है, उसका लाइव सॉल्यूशन आपको कराएंगे किसी दिन आकर के, तो एक चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो क्वेश्चन जो बनेगा उसी क्वेश्चन में से बनेगा। तो ये फायदा है प्रिपरेशन बैच का, है ना? तो आप जल्दी करें, है ना, जल्दी। दैट मींस कि आपको अब लेट नहीं करना भैया, लेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोग अब, आपके पास टाइम कहां है, 12 तारीख को एग्जाम है। अगर अभी आप रिवीजन करना शुरू कर दोगे, अभी आप अगर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे तो अच्छे से रैंक ले आओगे, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस प्रेशर जनरेट नहीं करना है, सुकून से पढ़ना है, है ना? या सादाब सर है हेल्प करने के लिए, परवेश सर है हेल्प करने के लिए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से सब कुछ होगा, सारा सीक्वेंस वाइज में सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है? चलिए, तो यहां पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया, इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया वो देखते हैं। ए आंसर कर रहे सारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, सेरिबेरम ही जो है वो मेमोरी का काम करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिना इज अ पार्ट ऑफ, देखो ये फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन, ये फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं ना, फिर रिपीट कर गया अभी कुछ देर पहले। तो भाई ये आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नर्वस सिस्टम में आपका रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रेन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कुछ क्वेश्चन एनिमल्स के पूछे जा रहे हैं कि एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंसेक्ट के बारे में पूछ लिया गया, सिल्कवर्म आपका जो है इंसेक्ट ही होता है, तो इंसेक्ट जो है वो अपने पार्टनर को कौन सा सेंस का इस्तेमाल करके ढूंढता है, तो भाई सेंस ऑफ स्मेल। ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, अच्छे तरीके से, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो भाई रेटिना अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया कि आई का हिस्सा होता है, आई का पार्ट होता है। अगर इस तरीके से आई बनाया जाए, आंख बनाया जाए, तो ये पीछे की तरफ जो ये वॉल होता है ना, यही आपका रेटिना होता है, रेटिना होता है, जो आप देखते हो, जो आप यहां पर देख रहे हो, उसी का इमेज यहां पर जो है रेटिना के ऊपर बन जाता है। तो रेटिना जो है वो किसका पार्ट है, आई का पार्ट है, आंख का पार्ट है, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो द स्किन सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू, अब देखो स्किन, स्किन में कुछ हुआ और यहां से इंफॉर्मेशन कहां जा रहा है, ब्रेन जा रहा है, तो किस नर्व्स के जरिए जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जा रहा है। स्किन में कुछ हुआ, यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना है, तो किस नर्व्स के जरिए पहुंचाएगा, वही पूछा जा रहा है कि नर्व एंडिंग के जरिए, नर्व्स के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, बताओ 16 का आंसर करो।
बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई मयंक कुमार का वो है तो ब्लॉग अनब्लॉक कर दो। देखो भैया, अगर आप ऐप पे स्क्रीनशॉट लोगे ना तो ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप फिर से ऐप खोलो, अभी खुल गया आपका ऐप, आपने बताया और ऐप खुल गया, ठीक है? डोंट वरी मयंक। तो किसके जरिए भाई मैसेज इधर से उधर होता है? नर्व्स के जरिए ही होता है। यहाँ पे डायरेक्टली नर्व्स पूछा गया, तो नर्व्स होगा इसका सही आंसर, है ना? लेकिन अगर पूछ देता कि किस नर्व्स के जरिए, तो हमने बताया था ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको समझ लेना, और ये आपका स्किन है या मसल्स है। तो ब्रेन से मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है स्किन में, तो ये जो नर्व्स होते हैं ये होते हैं आपका मोटर मोटर नर्व्स। कौन से नर्व्स होते हैं? मोटर नर्व्स। नर्व्स के टाइप्स हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया था भी सिंपली नर्व्स इसका आंसर होगा। लेकिन वही अगर बच्चा पार्टी स्किन से आएगा स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज और स्पाइनल कॉर्ड से आएगा ब्रेन में, तो ये वाला जो आपका नर्व्स कहलाएगा, ये आपका नर्व्स का टाइप हो जाएगा सेंसरी सेंसरी नर्व्स। तो नर्व्स दो तरह के आपके चैप्टर में दिया गया है, सेंसरी नर्व्स। और डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि भाई स्किन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाना होगा, तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? तो डायरेक्टली वहां पे अगर ये दोनों नहीं है तो नर्व्स हो जाएंगे आंसर। तो क्या हो गया आंसर? नर्व्स हो गया आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? नर्व्स। 16 का आंसर है नर्व्स। 34% बच्चे का सही आंसर है, 38 सी जिन्होंने बताया वही गलत आंसर है ना? ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं, मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो गलत आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहां पे क्वेश्चन 17 पे, द मोशन ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, मतलब वैसा बॉडी का मोशन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। च्यू द फूड, विंकिंग आईज, रेस्पिरेशन या लाफिंग, अब इनमें से कौन सा जो है हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? वॉलेंट्री एक्शन जो हम कंट्रोल कर पाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इनमें से कौन सा एक्शन इनवॉलेंट्री है? खाना को चबाना या आंख ऐसे 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 करना, या फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है जो एनर्जी बनाता है, या फिर हंसना है करके हंसना, इनमें से कौन सा है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते इनवॉलेंट्री? तो भैया ये तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, ये भी कंट्रोल कर ही रहे हैं, लाफिंग भी कंट्रोल कर ही रहे हैं, तो कंट्रोल क्या नहीं हो रहा आपसे? क्या नहीं हो रहा? रेस्पिरेशन। इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बोलेंगे भैया आज रेस्पिरेशन मत करो, आज एनर्जी की जरूरत नहीं, एनर्जी बनाओ ही नहीं बॉडी में, ऐसा पॉसिबल है? तो रेस्पिरेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस, बॉडी के अंदर होता है और अंदर जितने भी ऑर्गेन्स है उसका एक्शन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वैसे एक्शन को इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। 45% का सही आंसर है ना? अरे खुल रहा है ऐप भाई, फिर से खोलो आप। मयंक शर्मा जी, अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह जो है वो किया है ना ऑन वगैरह, तो उसको ऑफ कर दो, उसी की वजह से हो रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, देख रहे हो एक ही क्वेश्चन बार बार जो है आया है, इसीलिए हमने ब्रेन पढ़ाया है। वो कर लोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के बन जाएंगे। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा बताओ, बताइए ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, बार बार रिपीट किया वो क्वेश्चन। भाई कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, भाई क्यों ऐसा, क्यों गलत आंसर क्यों आ रहा है? हाँ तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेरिबेरम। स्टार्टिंग में ही हमने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से, सेरिबेरम इज द राइट आंसर। और यहां पर होता है नहीं होता है, अभी और क्वेश्चन है अभी बहुत क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? आयरन कैरिंग पिगमेंट इन ब्लड इज नोन एज, वैसा पिगमेंट जिसमें आयरन होता है, मतलब वैसा पिगमेंट जो आयरन को कैरी करेगा,
है ना, वैसे पिगमेंट को क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या कैरोटीन, बताओ इसका आंसर बताइए, कौन सा पिगमेंट है जो आयरन कैरी करता है, आयरन उसमें होता है कौन से पिगमेंट में, बताइए सर। सेवेंटी सिक्स परसेंट बच्चे का आंसर सही आ रहा है भाई, 80% बच्चे का, है ना। हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें जो आयरन करने कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नर्व्स आर मेड अप ऑफ, नर्व्स किससे मिलकर के बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हमने आपको चैप्टर में कराया है, नर्व्स किससे मिलकर के बनते हैं। एक और क्वेश्चन, नर्व्स जो है वो कैसा नर्वस सिस्टम है, यहां पर हम लिखते हैं सीएनएस है या पीएनएस है, नर्व्स जो है वो कैसा नर्वस सिस्टम है, सीएनएस या फिर पीएनएस, लिख के बताओगे और आंसर किसका करो, नर्व्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं, तो भैया इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो सेल का नाम है, न्यूरॉन क्या है, सेल्स का नाम है, न्यूरॉन से मिलकर के नर्व्स बनते हैं, आ रही बात समझ में, तो न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल का नाम है, तो नर्व जो है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। और नर्व जो है वो कौन सा सिस्टम है भाई, कौन सा नर्वस सिस्टम है, तो वो पीएनएस है, कौन है, पीएनएस, क्यों, पीएनएस में आते हैं बच्चा, पीएनएस में सिर्फ और सिर्फ, पीएनएस में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, नर्व्स आता है, नर्व्स आता है। और सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ब्रेन आते हैं, ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर के सीएनएस बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नर्व्स जो है वो क्या बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई इलेवेंथ का फॉर्म आ जाएगा, काय घबरा रहे हो, जनवरी के एंड तक में देखना, नहीं तो फरवरी में तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लाइट इंटर्स द आई थ्रू, आंख में, आई में लाइट इंटर किसके थ्रू करेगा, ऑप्टिक नर्व के जरिए, लेंस के जरिए, रेटिना के जरिए, पुपिल के जरिए। देखो ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, और ये वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं क्लास में, लेक्चर में, अगर जिन्होंने नहीं देखा है, मेरे बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देखने की जरूरत है, वो जाएं लेक्चर देखें, नोट्स देखें, रिवीजन करें, डीपीपीस करें, तब जाकर के इसको करें, बहुत मजा आएगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बताइए इसका आंसर बताइए, लाइट जो है वो किसके जरिए इंटर करेगा, तो इसका सही आंसर बच्चा कुछ और है, आप लोग आंसर कुछ और कर रहे हो, इसका सही आंसर है पुपिल, क्या आंसर है, पुपिल, ठीक है, गौर से देखेंगे लेक्चर आप, पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल स्पीच, देखो आ गया, स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है और इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, तो कौन सा ब्रेन का हिस्सा है भाई जो स्पीच कंट्रोल कर रहा है, मेमोरी कंट्रोल कर रहा है, आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, आपके इंटेलिजेंसी को कंट्रोल कर रहा है, तो हमने बताया था, याद करो, याद करो, ये वाला डायग्राम याद करो, कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था, कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था, दो हिस्सा लेफ्ट और राइट, ये है क्या, ये वाला हिस्सा है क्या, ये बताओ, तो यही है जो कंट्रोल करता है स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, अब है क्या ये बता दो, अब है क्या मेरे दोस्त, ये बता दीजिए आप, एमयू का एग्जाम कब तक होगा, एक्सपेक्टेड डेट एंड मंथ प्लीज सर, अरे भाई ईद के बाद ही होने वाला है आप लोगों का एग्जाम, ठीक है, ये है अंदाजा, अब ये तो भाई डिसाइड करेगा एमयू वाले,
लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट है कि ईद के बाद होगा, यानी कि अप्रैल एंड तक में या मई में स्टार्ट होगा आप लोग का एग्जाम। तो ये क्या है भाई, सेरिब्रम है ना। सेरिब्रम को दो हिस्से में बांट दिया गया, दो हेमिस्फेयर में बांट दिया गया है ना, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर वाला स्पीच कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर जो है वो इंटेलिजेंसी को जो है वो कंट्रोल करता है, और आपका विजन कंट्रोल करता है, मेमोरी जो है वो एज अ मेमोरी यूज होता है। तो पूरे को तो हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम, बताया था ना हमने। देयर आर ब्लैंक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। देख रहे हो कितने सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में। कुछ ऐसे बच्चे धनाधन कॉल कर रहे हैं इसीलिए जो है मोबाइल पटकने का मन करता है। जब देख रहे हो यहाँ पे हम लेक्चर्स ले रहे हैं फिर भी जानबूझ के परेशान कर, अगर ऐसे करोगे भैया डिस्टर्ब करोगे तो फिर कॉल किसी का रिसीव नहीं करेंगे, बता रहे हैं ऐसे नहीं कीजिए। देख रहे हैं सदाब सर क्लास ले रहे हैं, धनाधन क्लास ले जो है वो कॉल किया जा रहा है। अब यही है फोन, हर किसी का फोन उठाने का मतलब ये नहीं कि आप बार बार कॉल करके परेशान करेंगे, है ना। सब्र करो सब्र, क्लास खत्म होगा तो करेंगे ही। तो भाई कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं भाई? फाइव, पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये भी पूछने वाली सवाल है क्या? आप लोग तो बहुत तेज हो, बुद्धिमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ आईज, ईयर, नोज, टंग, बताओ, ये बताओ। बताइए, कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, किस चीज का हिस्सा है भाई? एयर आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया है तो भाई ये आपका हिस्सा है कान का, कान का हिस्सा है कॉकलिया, आंख और नाक और जुबान का नहीं है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बन रहा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या ऑल ऑफ दीज, बताइए। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बन रहा है? नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बन रहा है बताओ? बताइए, सारा खेल तो नर्वस सिस्टम का ही है, यही इसी का हम करा रहे हैं PYQ। अब यही नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा भैया? नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बन रहा है? तो सर ने बताया था कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, बिल्कुल होता है, नर्व्स होता है, बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या होगा सर? ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। और नर्वस सिस्टम को दो हिस्से में बांट दिया गया, बार बार रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको सही करो। दो हिस्से में बांट दिया गया भाई, कौन कौन सा हिस्सा? CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है सिर्फ। सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सिर्फ उसमें वो नर्व्स आते हैं। और ओवरऑल नर्वस सिस्टम कौन मिलकर के बना रहा है? CNS प्लस PNS, मतलब सर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तीनों मिलकर के नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, देख रहे हो कितनी बार एक ही क्वेश्चन, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, स्टार्टिंग में पढ़ाया, इसी सेशन के स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया कि भाई सारा क्वेश्चन लगभग उसी से है ना। और चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया, जो हमारा चैप्टर क्या है उसका तो सारा क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो भाई जो लार्जेस्ट पार्ट होगा ब्रेन का वो क्या कहलाएगा? वो आपका सेरिब्रम कहलाएगा, यानी फोर ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, ओके सर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये लगभग आखिरी क्वेश्चन ही है आपका, 2009-10 का है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, बहुत ही आसान सवाल, बॉडी का कंट्रोल सेंटर किसको बोला जाता है? ऑप्शन है हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, बताइए, बताइए सर। भाई 9th का PYQ भाई कल होगा, कितनी दफा मैसेज ग्रुप में नहीं गया, ऐप पर मैसेज चला गया ना, फिर क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ तो इसका सही आंसर है ब्रेन। क्या आंसर है? ब्रेन। ब्रेन को ही कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। और इसी के साथ मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, डे टू जो है, एक सेकंड, डे टू आज खत्म हो जाता है। ठीक है, डे टू जो है वो आज
फिनिश होता है। तो डे वन में आप लोगों ने मैथ का सवाल किया, डे टू में आज आप लोगों ने साइंस का सवाल किया, नर्वस सिस्टम का। मजा आया? मजा आया मेरे दोस्त? कितने नंबर आए भाई आपको बता दो, नीचे पोलिंग चल गया है। 27 में 27 किसका आया है, 27 में 26 किसका आया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बेईमानी नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ईमानदारी के साथ वोटिंग करें। गलती आया तो गलती आया, गलती से इंसान सीखता है, बिना गलती किए आप कुछ नहीं सीख सकते। तो ईमानदारी से है ना प्रिपरेशन, हम लोग ईमानदारी से करें, कोई शर्म की बात नहीं है। गलती हुआ है तो उसको सुधारेंगे, जो जो क्वेश्चन गलत किए तो वो वाला टॉपिक आज जाकर के पढ़ेंगे। यही तो मेरा मोटिव है पीवाईक्यू सेशंस कराने का, क्वेश्चन का सेशन कराने का, कि अगर आपसे क्वेश्चन जो नहीं बना वो जाकर के बाद में कॉपी किताब निकाल करके, नोट्स निकाल करके देखेंगे कि कहां पर वो टॉपिक है, उसको ऐसा पढ़ लेंगे कि फिर वो क्वेश्चन आपसे गलत ही नहीं होगा, कभी भी उसका आंसर गलत ही नहीं होगा। ठीक है, तो 76% बच्चों का 27 out of 27 और 25% बच्चों का 26 आया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चे। मजा आया सभी बच्चों को? मजा आया? अगर मजा आया तो जरा थम इंप्रेशन दो, तो मजा आया तो थम इंप्रेशन दो, नहीं तो फिर जो है वो चले जाएंगे ऐसे ही हम। बताओ, और अगर अच्छे से और अच्छे से प्रिपरेशन करना है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे, एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्स सेक्शन में जाएंगे और एम्बिशन बैच को ज्वाइन करेंगे और अपना प्रिपरेशन हमारे साथ मजबूत करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, 2 महीने मिनिमम आपके पास, 2 महीने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास टाइम। तो अब यहां से आप स्टार्ट करोगे ना तो अच्छे से कवर कर सकते हो, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, पूरा सिलेबस वहां पर कंप्लीट आपको मिलेगा और रेगुलर लाइव क्लासेस हो रहे हैं। जिसका लाइव क्लास छूट जा रहा है वो रिकॉर्डेड मिल जा रहा है। तो ये कुछ बच्चे दिमाग में ला रहे हैं कि सर अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे तो आपका तो सिलेबस बहुत आगे है, तो कैसे कवर होगा? भैया एक चैप्टर वन, डे वन से लेकर के आज तक जितने भी क्लासेस हुआ है सब अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में जो है वो ऐप पर अपलोड है। स्टार्टिंग से फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हो, हर लेक्चर के, हर चैप्टर का लेक्चर देख सकते हो, उसके नोट्स देखोगे, डीपीपीज करोगे, रिविजन करोगे, वीकली टेस्ट दोगे, जितना टेस्ट हो गया वो फिर आप दोबारा दे सकते हो। जो नया बच्चा है वो स्टार्टिंग से टेस्ट दे सकता है चैप्टर वाइज, और 1 महीने बाद जो मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है अलीगढ़ एएमयू पैटर्न पे, जो टेस्ट होने वाला है 85 मार्क्स का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लगातार बैक टू बैक टेस्ट होंगे। तो भैया इस बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन है और ये जो बैच है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में, 4200 का बैच, आ रही बात समझ में? तो इतना मिनिमम फीस जितना आपके फॉर्म का फीस है, इसमें आपको पूरा हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। कोई भी फिकर ना करो, टेंशन ना लो, बस अपना एक कदम आगे बढ़ाओ, सोचो। परमेश्वर बोलते कि सोचो, अगर आप सोच लेंगे तो आप कर लेंगे। तो पहले सोचना सीखो, सोच लो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो भैया बैच ज्वाइन करें जल्दी से और प्रिपरेशन करें। इतना फीस तो आप जो है ऐसे खा पी के उड़ा देते हो, पिज्जा, 2 पिज्जा खाओगे तो 999 खत्म हो जाएगा, आ रही बात समझ में? तो भाई खाने पीने में तो पैसे खर्च करते ही हो, वैसे जगह पैसे खर्च करो कि बाद में आपको खाने पीने के लाले ना पड़े, आ रही बात समझ में? तो बैच ज्वाइन करें, है ना। डे वन खत्म होता है यहां पर, डे टू खत्म होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आया आप सभी बच्चों से मिलकर के। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, क्लास 9th का कल होगा पीवाईक्यू। ओके।